के ऊपर है बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉफिट्स पीपल हैव अर्नड इन दिस मार्केट व्हिच इज स्टेइंग इन द पोर्टफोलियोज ऑफ मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। एंड एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर आई थिंक एसआईपी के माध्यम से, इंश्योरेंस फंड के माध्यम से, प्रोविडेंट फंड के माध्यम से जो नए फंड आ रहे हैं, दोज फंड आर बेसिकली रेगुलरली गेटिंग डिप्लॉयड अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ द एफआईआईस और एफपीआईस। मेरा ऐसा मानना है कि लिक्विडिटी इज वेरी वेल बैलेंस्ड नाउ। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज सर्टनली इन्वेस्टिंग इन टू द मार्केट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये मार्केट में जो पुल बैक रैली है या करेक्टिव रैली हम जिसको बोल सकते हैं, जो 18,800 का निफ्टी हुआ था उसका एक पुल बैक चालू है मार्केट के अंदर। इन माई व्यू पॉइंट आई थिंक दिस पुल बैक माइट कंटिन्यू टिल दिवाली टाइम एंड मे बी आई थिंक देयर आफ्टर यू मे हैव सम सॉफ्ट प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन हैपन। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई फंडामेंटल कारण नहीं है कि मार्केट का बहुत जोर से नीचे गिरना है, बट एक दायरा है 18,800 और 19,800 20,000 के बीच में, ये जो लेवल है उसके अंदर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वन शुड कीप एन आई ऑन। देवेन जी, कुछ पॉकेट्स जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिले हैं हाल फिलहाल में, एक तो फार्मा कंपनियां हैं और दूसरे केमिकल स्टॉक्स हैं। केमिकल में क्या वो साइकिल जो काफी बिगड़ी हुई थी वो दौर पूरा हो चुका है? इज द वर्स्ट ओवर? तो आई थिंक मेरा ऐसा समझ है कि जो गए साल मोस्ट ऑफ दी कंपनीज आई थिंक विच आर बेसिकली हैविंग अ केमिकल एज अ रॉ मटेरियल फॉर देम, क्रूड ऑयल एज डेरिवेटिव एज अ रॉ मटेरियल फॉर देम, उनके लिए गए साल के अंदर काफी हद तक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के माध्यम से देखे तो उसको प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आई थी। ये साल के अंदर आप देखें तो शायद ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होते जा रही है। आई थिंक यू डोंट हैव अ सिचुएशन के वेयर हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बॉदरिंग दिस कंपनीज। As a result of which, the normalcy in the margins is also being seen. Along with that, the demand scenario is picking up gradually. जो China का last year supply का glut था, वो भी I think मेरे ख्याल से to a greater extent has got corrected in last few quarters. मेरा ऐसा समझना है कि specialty chemical के business के अंदर, because of the domestic demand growth portfolio as well as I think the overseas demand continuing because of China plus one strategy, I think these companies are now relatively looking better. Particularly because, as I explained, the margin front they are protected now. So maybe I think selective companies which are into contract manufacturing business, or companies which are into API business, in particular in pharma, or companies which are into complex generics business in pharma, they may probably remain relatively stronger bet in the market compared to their previous past. Devendra bhai namaskar, Virendra bol raha hu Delhi studio se. इस रिट्रेसमेंट में और मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं पहले तो ये अगर मैं कैपिटल गुड्स में अगर फ्रंट लाइन में सिर्फ एलएनटी को छोड़ दूं तो बाकी कमेंट्स में भी और सिमेंट्स में भी और एबीबी में इन तीनों कंपनियों में हमको एक डिसेंट रिट्रेसमेंट मिला। आप समझ लीजिएगा कि हायर लेवल से करीब करीब 15-18-19% का हमें स्विंग डाउन मिला। क्या इसको ग्रैब करना चाहिए आपके मुताबिक या फिर एलएनटी पे ही फोकस करें इस बार के नंबर्स को देखने के बाद? तो दिवाली की खूब शुभकामनाएं वीरेंद्र आपको भी। मैं ऐसा समझता हूं कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनीज हैव रीच्ड टू अ पार्ट प्राइस टू परफेक्शन सिनेरियो, व्हिच मींस कि उनके जो अर्निंग का ग्रोथ आउटलुक है उसके साथ में उनके भाव स्टॉक मार्केट के अंदर मैच हो चुके हैं। अगर कोई कारण सर मार्केट में गिरावट आती है या करेक्शन आता है तो दे बिकम अ बाय अपॉर्चुनिटी। मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 15-20% का रिटर्न आपको छोड़ना है कैपिटल गुड सेगमेंट में से जो पॉसिबल है, देन करेक्टिव डाउनसाइड के अंदर ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। वेदर आई थिंक इट इज एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस एज यू मेंशन और मे बी मेनी अदर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। तो आई वुड रादर थिंक दैट आई थिंक करेक्टिव डाउनसाइड इन द मार्केट इज अ बाय अपॉर्चुनिटी क्योंकि अप्रिसिएशन लिमिटेड रहेगा 15-20% के बीच में। तो आप अगर आप नीचे के भाव पे लेते हो तो 15-20% का अप्रिसिएशन आपको साल में मुनाफा के साथ में मिल सकता है। तो दैट इज वेयर आई थिंक यू टू कंसंट्रेट योरसेल्फ इन इन बाइंग एट लोअर लेवल्स। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और आई मीन जो कि इस बार की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम रही है स्पेशली लास्ट 2 महीने में। देवेन जी, आप एक्सचेंजेस को देखिए, आप ब्रोकिंग बिजनेस की कंपनियों को देखिए, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। बी एस सी ने लीड किया, लुक एट एम सी एक्स नए प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उनका मूव अच्छा रहा। एंजल वन को देखिए, सब ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अभी आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है? क्या अभी भी इसको राइड करें, कंटिन्यू करें,
या फिर अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स प्रश्न भी पूछते हैं और हम काफ़ी समय से बात भी कर रहे हैं, इनफैक्ट BSE पे तो 600-700 से बात हो रही है। यहाँ पर व्यू क्या है इस वक्त? अब क्या थोड़ा सा आप मोर देन एक्सपेंसिव की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें आ चुके हैं? So in general, I would say that I think most of these businesses are having one common factor into it. That is, I think there is a restrictive entry barrier. Leave aside the brokerage business for a while, but I think stock exchange business, depository business, clearing corporation business, ये सब जो business है वो business के अंदर काफी हद तक आपको एक entry barrier मिलता है. So as a result of which, I think this business will always be at premium and not at discount. That is the first point. सेकेंड पॉइंट, ये बिजनेस के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज की तारीख में जो $4 trillion के आसपास है वो करीबन 2035 तक $12 trillion बनने जा रहा है. दैट मीन्स अ 3 times ग्रोथ फ्रॉम द करंट लेवल्स. अगर आज 70 लाख करोड़ का दिन का वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा, दिस वॉल्यूम विल आई थिंक गो अप आई थिंक इन नॉन प्रोपोर्शनेट. दैट मीन्स मच सिग्निफिकेंटली हायर वॉल्यूम विल हैपन इन द मार्केट. एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बिजनेस के अंदर अगले 10-12 साल की एक अच्छी विजिबिलिटी मिलती है. दैट इज द सेकंड पॉइंट. तीसरा जो पॉइंट मैं इसके अंदर मुद्दा रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑल दिस एक्सचेंज बिजनेसेस आर आल्सो हैविंग मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव प्रोबेबली वर्क्ड फॉर देम. लाइक BSE हैज मेड अ सक्सेस आउट ऑफ स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म. क्वाइट पॉसिबल दैट गोइंग फॉरवर्ड दे मे हैव द इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म एज वेल कमिंग इनटू देम. And quite possible that there are multiple other synergic product I think which will come onto their platform. So ye business ke andar bane rehna bahut zaruri hai. Short term ke andar shayad stock price fully price ho chuke hai ya thoda bahut profit booking aa sakta hai, correction aa sakta hai, wo possibility ka aap rule out nahi kar sakte ho because I think 500-600 se stock ka bhav badh ke 2100 hua hai, to wo possibility ka aap rule out nahi kar sakte ho. But long term investor ke liye ye har correction har profit booking ke andar ye buy opportunity mil honi chahiye. अगेंस्ट आई थिंक द ब्रोकरेज कंपनीज विच आपने मेंशन किया, ब्रोकरेज कंपनीज के अंदर भी सिमिलर प्रपोजिशन है. आज की तारीख के अंदर जो डीमैट अकाउंट है वो डीमैट अकाउंट यहाँ से हम समझने जा रहे हैं कि 3 गुना या 4 गुना बढ़ेंगे. दैट मीन्स के न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन टू द मार्केट. दैट मीन्स के न्यू बिजनेस वॉल्यूम विल हैपन इन टू द ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म. सो दोज कंपनीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस देन वॉट दे आर प्रोड्यूस्ड अप टिल नाउ. करंटली द बिजनेस मॉडल इज मोर टूवर्ड्स द डिस्काउंट ब्रोकरेज. But मैं समझता हूँ कि आई थिंक इवेंचुअली द ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म विल एडॉप्ट टू द एडवाइजरी मॉडल एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली आई थिंक यू आर गोइंग टू सी मेजर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमिंग इनटू देम. सो वी रिमेन रिलेटिवली मोर पॉजिटिव एंड बुलिश अबाउट द पॉसिबिलिटीज. इवन बाय ऑटो कंपनी और खासतौर से ऑटो एंसिलरी प्लेज, यू नो, योर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, आपकी टायर कंपनियां, वहां पर कितना कितनी क्षमता है अब यहाँ से भी बेहतर रिटर्न देने की? क्योंकि नंबर्स अगर आप टायर प्लेयर्स के देखें तो काफी मजबूत आए हैं. एक एक लाइन से, चाहे वो सीएट हो, जेके हो या फिर आपका अपोलो टायर. आज को एडवांटेज जो मिला है वो एडवांटेज इनको रॉ मटेरियल प्राइस का मिला है जो लास्ट क्वार्टर के अंदर उसे अगले साल के अंदर नहीं मिला था. तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक व्हेन यू कंपेयर द वर्किंग ऑफ दिस टायर कंपनीज आई थिंक यू विल फाइंड ऑन ईयर ओवर बेसिस अ सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट. सो आई थिंक प्रोबेबली दिस स्टॉक्स आर ड्रिवन बाय द कमोडिटी नेचर ऑफ द बिजनेस. तो उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप सस्टेन लेवल के अंदर आप इन्वेस्टेड रहो. मैं ऐसा समझता हूँ कि वेन एवर आई थिंक देर इज अ बेटर टाइम यू हैव टू बुक सम प्रॉफिट एंड देन री एंटर इनटू इट आई थिंक व्हेन द कमोडिटी साइकिल टर्न्स स्लाइटली चैलेंजिंग. तो ये एक आई थिंक बेटर अप्रोच रहेगा. एज फार एज द डिमांड सिनेरियो एंड आउटलुक फॉर टायर इज कंसर्न आई थिंक दैट इज नेवर क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाउएवर आई थिंक बिकॉज ऑफ द कमोडिटी नेचर ऑफ द बिजनेस आई थिंक यू मे हैव टू बुक सम प्रॉफिट इन द इंटरिम पीरियड एंड देन पॉसिबली री एंटर इनटू द बिजनेस अगेन. As far as I think other auto ancillaries are concerned, there you have got a slightly better conviction because वहाँ पे एक तरफ जो raw material के दाम है वो contained है आज की तारीख के अंदर, दूसरी तरफ most of the companies are having the dual portfolio, the ICE engine portfolio as well as the electric vehicle portfolio. तो दोनों के अंदर उनका I think एक आगे जाके performance better बनता है. My take is that I think because of the corrective market in auto ancillary stocks, it may be a buy opportunity to buy into some of the select ones in the current markets. तो कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स रहेंगे. अच्छा, एक पॉकेट जो अब मजबूती दिखाने लगा है, एटलीस्ट डे लो से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, वो है बैंक्स. निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन 56 अंकों की ही गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर. अब रिवर्सल कुछ कुछ स्टॉक्स में आता हुआ, तो ICICI बैंक जो सबसे ज्यादा ड्रैग कर रहा था, अभी भी आपको 1% नीचे दिखेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक्टिविटी, थोड़ी सी निबलिंग हुई है.
यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ, ऐसा ही कुछ हाल कोटक का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दरअसल सपोर्ट किया वो ऑफकोर्स HDFC बैंक जैसे प्लेयर्स ने किया है, 1492 पर इस समय ट्रेड दिखाता हुआ। बैंक्स और NBFCs पर देवेन भाई अब आपका क्या रुझान रहेगा? So Arshada, I think we are remaining extremely convinced and bullish, and we feel that I think this is the space one should remain invested in. Particularly, जो banks और NBFC fintech को use करके अपना distribution reach बनाते हैं, fintechs को use करके अपना credit lending की efficiency क्षमता बढ़ाते हैं, वो companies के लिए मेरा ख्याल से I think opportunity अच्छा रहेगा। एक तरफ आपके पास opportunity है because I think lower cost of funds due to I think the ability to procure the funds at a cheaper cost. Corporate banks and some of the larger banks are having that advantage. On the other side, corporate lending is growing at 20%. Home finance is growing at 20%. Retail lending is growing at 20%. Our primary sector के अंदर भी करीबन 10 से 15 टका के बीच में loan growth है. तो अगर जो कंपनियां HDFC bank included, जो कंपनियां ये business के अंदर अपना portfolio संभाल के चलाती है, on one side lower cost of funds, on other side I think the systematic lending across all the four areas, probably I think they are relatively better place, both as far as I think the NIM is concerned and at the same time I think the fee income that they get because of the higher lending of the books. HDFC bank under we are seeing the possibility of the size of the AUM getting doubled to 45 lakh to 50 lakh crore in a course of next 4 years time. Similar could be the situation with some of the larger banks ke jiske paas well capitalized portfolios hai, उनके लिए भी शायद आई थिंक डबल साइज होना संभवित है। तो इफ दैट इज अ सिचुएशन देन यू आर एक्चुअली गेटिंग अ सिग्निफिकेंट हाई अमाउंट ऑफ IRR ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शंस के अंदर स्टॉक नीचे बांध दाम में मिलते हैं तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। चलिए देवेन, बहुत